x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पे a कोमा b क्या है सेंटर, याद आ गया आपको? अच्छा, और r क्या चीज है? रेडियस है ना। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है ना, अगर बाय द वे ये ध्यान हो तो ये भी याद होगा, इसमें a इज इक्वल टू बी और h इज इक्वल टू जीरो है ना, देन जो टू डिग्री इक्वेशन होगी, टू डिग्री इक्वेशन ये अपने आप में क्या बन जाएगी, सर्कल बन जाएगी, राइट है भाई। और थर्ड पॉइंट क्या है याद है, सर्कल की बेसिक इक्वेशन जनरल इक्वेशन कहलाती है, तो प्लस c इक्वल टू जीरो होती है ना, इसमें अगर याद हो तो सेंटर क्या हुआ करता था, सेंटर होता था माइनस जी कोमा माइनस है, और आर जो रेडियस होती थी दैट विल बी है ना। ये वो पुरानी चीजें हैं जो सबको ध्यान में होनी चाहिए, जो हम मान के चलते हैं कि हाँ मिनिमम है, जो अपने को याद तो रहती ही है ना। अब चलते हैं आगे। सर्किल अपने आप में ऐसा चैप्टर है ना जिसका मतलब ये है कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन सीखने में आ गया है ना तो ऑलमोस्ट संभाल लेंगे आप, चले जो भी है। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं बनाना। क्वेश्चन है फाइंड इमेज सर्कल ऑफ दिस इन लाइन दिस, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, हिंदी पढ़ लेते हैं एक बार जरा। इमेज सर्कल माने किसी सर्कल की इमेज होगी, और सर्कल कौन सा है, ये सर्कल है। अगर बाय द वे किसी सर्कल की इमेज चाहिए तो लाइन भी चाहिए, मिरर कौन बनेगा, मिरर बनने के लिए लाइन तैयार। अच्छा, क्या नाम मतलब ये लाइन है जो कि मिरर है कि नहीं, इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है 3x प्लस में कितना 4y प्लस में कितना 25 इक्वल टू जीरो। एक सर्कल है जो यहां कहीं ड्रॉ हुआ, सही है, अगर यहां कोई सर्कल ड्रॉ हुआ तो हमने इसकी इमेज देखी तो इमेज भी यहीं कहीं बनेगी है कि नहीं भाई, और जो कि ऐसी कैसी बनेगी, खास बात क्या होगी, खास बात जो दिमाग लगाने लायक एक ही बात है, और वो बात क्या है, वो बात ये है कि जो इसका सेंटर होगा, इन दोनों का जो सेंटर होगा है ना वो परपेंडिकुलर होगा, एज वेल एज जितनी डिस्टेंस यहां होगी उतनी की उतनी डिस्टेंस यहां होगी। खास बात नंबर तीन क्या है, खास बात नंबर तीन ये कि इसका सेंटर याद है, इसका सेंटर कितना होगा 2.3 सोचो, या 3.4 वेरी गुड 3.4 आया दिमाग के अंदर, इसका सेंटर कितना होगा 3.4 और ये जो होगा 3.4 का इमेज होगा, हाँ है ना। अब बात उठी कि अगर ये इमेज होगी तो रेडियस कितनी होगी इस सर्कल की, ऑब्वियसली जितना इसकी रेडियस होगी उतनी इसकी भी रेडियस होगी, पर इमेज है ना, इमेज में बड़ा थोड़ी ना बन जाएगा, जिस साइज का सर्कल ये वाला है उस साइज का सर्कल ये वाला बनेगा, अरे है ना। ये सिर्फ मेले में होता है कि आप अपना मुंह देखते हैं कांच में और मुंह बड़ा दिखने लगता है, घरों में तो जितना आपका मुंह उतना ही दिखेगा, हाँ या ना, ना छोटा ना बड़ा, राइट है ना। तो अगर देखा जाए तो ये लाइन अगर मिरर बन गई तो जितना ये सर्कल उतना ये सर्कल होगा, तो रेडियस तो सेम ही रहेगी ना, साइज सेम रहेगा माने रेडियस सेम रहेगी। अब बात उठती है कि इसकी रेडियस कितनी है, इसका सेंटर तो हम लोगों ने अभी भी बताया 3.4 है, और रेडियस की बात, रेडियस इज इक्वल टू कितना होता है जी का स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस सी, सी कितना है 0, कहना मतलब रेडियस कितनी होगी 5, माने रेडियस 5 है, अगर इसकी रेडियस 5 है तो इसकी भी कितनी होगी 5,
सही है ना भाई। अब मेरे को सर्कल के लिए किसी भी सर्कल के क्या चाहिए होते हैं, किसी भी सर्कल के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं, एक जी दे दो, एक एफ दे दो, एक आर दे दो, खत्म है क्वेश्चन। कैसे? क्योंकि सेंटर चाहिए, सेंटर की दरकार है। अब सेंटर बनने के लिए कौन तैयार है? सेंटर होगा 3.4 का इमेज इस लाइन में। अब बात उठती है इमेज कैसे निकालते हैं, इमेज का शायद हम में से कहीं को फॉर्मूला ध्यान है, याद है? एक्स माइनस एक्स वन याद है अपॉन ए। अच्छा 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 एक मिनट एक्स माइनस एक्स वन है ना, इसके सेंटर को एक बार के लिए एच कोमा के मान लू है ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा एच माइनस एक्स वन अपॉन ए, ए बोले तो तीन इजिकल टू के माइनस वाई वन अपॉन बी इजिकल टू कितना फोर इजिकल टू में नीचे तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर ऊपर माइनस टू, ब्रैकेट खुल गया राइट है। इस पूरी फोटो को एज इट इज कॉपी कर दिया, 3x प्लस 4y प्लस 25 एज इट इज कॉपी कर दिया, और x और y की जगह x और y1 लग जाएगा। अब रही बात x और y1 नहीं तो नहीं भरा अब तक, ना यहां भरा ना यहां भरा, x और y1 कौन? जिसकी इमेज निकालनी वही तो x और y1 है, और इमेज किसकी निकालनी है? तीन चार की, तो यहां पे हर जगह पे भी क्या चढ़ जाएगा, तीन या चार या तीन या चार, सही है? ऐसा लगते ही अब में से कई लोग वो जिनकी मल्टीप्लिकेशन ठीक है वो जानते हैं 25 बन गया है ना, याद है ना ये कितना बन गया 25 और 25 50 50 और नीचे 25 कट गया, बच्चा कितना 4 माइनस का 4 बन गया, हाँ या ना, आंखों में देख पा रहे हैं माइनस 4। अच्छा जिस दिन मैंने इन दोनों को खिलाया उस दिन दुनिया को दिख जाएगा एच माइनस 3 बराबर माइनस 12, और जिस दिन मैंने इन दोनों को खिलाया उस दिन दुनिया को दिख जाएगा के माइनस 4 बराबर माइनस 16 है ना भाई, तो के बराबर कितना प्रकट हो गया माइनस 12, और एच बराबर कितना प्रकट हो गया माइनस 9 है ना भाई, माइनस 9 है ना। तो अगर देखा था एच कोमा के कितना आ गया, एच कोमा के कितना हो गया माइनस 9 कोमा माइनस 12, ये क्या आ गया सेंटर आ गया ठीक है। तो इस सर्कल की इक्वेशन तो बतानी है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी कैसे, कोई याद है एक्स माइनस ए, ए की जगह कितना, तो एच प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस एच की जगह एक्स है ना, वाई प्लस 12 का होल स्क्वायर इजिकल टू कितना आर स्क्वायर, और आर की जगह कितना हो जाएगा 5, आगे तो हम समझ लेंगे है ना, इजी क्वेश्चन है। बस ये कि पिछले वाले फंडे का यूज होगा, मैंने कहा ना जो स्ट्रेट लाइन जानता है ना हल्का हल्का वो सब समझ जाएगा, वो सब संभाल भी लेगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग दीज टू लाइन्स एंड सेंटर लाइज ऑन दिस, खोपड़ी लड़ाने तो लड़ा लो भले आप 2 मिनट 3 मिनट, आपको लगता है कि अपन लड़ा सकते हैं तो लड़ाओ, रफ कॉपी निकाल लें आप है ना, या फिर कॉपी पीछे से खराब करना चालू कर लें, या स्पेस फॉर रबर क्लिक के वहां खराब कर लें। खास बात क्या है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, है ना भाई। अच्छा इसका मतलब 100% बात हो गई कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये तो सबके दिमाग में आ गया, एंड दिस लाइन इज नॉट पैरेलल, सही ना भाई, ये लाइन पैरेलल नहीं है, दो लाइनें पैरेलल हैं और एक लाइन पैरेलल नहीं है, इसका क्या मतलब समझे? इसका मतलब ये है कि दुनिया में दो ही तरह की लाइनें होती हैं साहब, या तो पैरेलल होती है इंटरसेक्टिंग होती हैं। क्या दुनिया में दो ही तरह की लाइनें होती हैं? हाँ दो ही तरह की लाइनें होती हैं, आप कहीं पे भी बोर्ड पे खड़े होकर दो लाइनें खींच लो, कहीं से भी इस बोर्ड पे आप कोई भी दो लाइनें खींच लो, कोई भी दो, या तो वो पैरेलल निकलेगी या इंटरसेक्टिंग निकलेगी, इसके अलावा तीसरी कोई निकलेगी नहीं, या तो वो एक दूसरे पैरेलल होंगी नहीं तो आगे जाके कहीं भले इनफिनिट पे टच करें लेकिन करेंगी जरूर इंटरसेक्ट, हाँ या ना, करेंगे इसके सिवा कुछ होता ही नहीं। तो कहना मतलब ये कि अगर बाय द वे ये दोनों लाइनें पैरेलल हो तो दिखता पता चलता है, फोटो ही सेम आ गई आगे की, याद है ना, ऐसा तो नहीं कि अपने को पता ही नहीं चलता कि पैरेलल लाइनें कैसे होती हैं, हाँ तो वो तो पता चल गया ना। अच्छा अब ये बात भी है, जिनको ये ध्यान है जो थोड़े दिनों से काफी दिनों से भी आ रहे हैं उनका भी ध्यान होगा, हमने ऐसी कुछ फोटो बनाई थी कि अगर बाय द वे दो पैरेलल लाइंस हैं तो सर्कल अगर ड्रॉ होगा तो इन दोनों के बीच में ऐसा ड्रॉ होगा कुछ हद तक, अगर वो इस तरह का सर्कल ड्रॉ हो रहा है तो काम की बात क्या है, ये सर्कल हो गया
काम की बात नंबर दो ये है कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये लाइन उनकी पैरेलल नहीं है, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग है। अगर इंटरसेक्टिंग है तो वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो इसे भी करेगी, हाँ या ना। अब इंटरसेक्ट करेगी तो कोई जरूरत तो नहीं है, सीधा ही सीधे इंटरसेक्ट करेगी, टेढ़ी भी कर सकती है लोग, करेगी। तो ये वाली लाइन कौन सी वाली है, तो वे एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, और ये लाइन किसी को भी ले लो, फोर एक्स प्लस फोर एक्स माइनस थ्री वाई माइनस टेन इक्वल टू जीरो, और यहां पर ले लो, अच्छा फोर एक्स माइनस का थ्री वाई माइनस थर्टी इक्वल टू जीरो ले लू, लीजिए मैंने दोनों लाइनें भी लिख ली। अच्छा अब सोचने वाली बात क्या है, अगर भाई दो मैंने ऐसा लिख लिया तो इससे क्या दंदन हो गया, हो गया ना, क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, मुझे इसमें कोई दर्द थोड़ी ना होने वाला है कि मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास में ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना तो अपने हाथ में होता है ना, दो लाइनों को सॉल्व ही तो करना होता है। वाई की जगह अगर मैंने माइनस टू एक्स रख दिया तो आप भी रख सकते हो, माइनस टू एक्स रखते ही सिक्स एक्स हो गया, सिक्स एक्स और फोर एक्स टेन एक्स हो गया, मन की आंखों से देखना, टेन एक्स हो गया, टेन एक्स इजिकल टू थर्टी, हाँ या ना, टेन एक्स इजिकल टू थर्टी, तो एक्स इजिकल टू कितना आ गया थ्री, तो ये वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तीन आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट अगर तीन आ गया तो वाई बराबर माइनस टू एक्स है तो माइनस सिक्स हो गया, हो गया। अच्छा अगर ये हो गया तो आपके पास में फिर आपके दिमाग में फिर तो मैं ये भी निकाल दूंगा सर, हाँ या ना, अगर ये वाला पॉइंट निकालना है तो करना क्या, वाई की जगह पे माइनस टू एक्स यहां रख दो, वाई की जगह माइनस टू एक्स सिक्स एक्स हो गया, सिक्स एक्स और फोर एक्स टेन एक्स हो गया, तो टेन एक्स बराबर माइनस टेन, एक्स बराबर कितना हो गया माइनस वन, अगर एक्स की जगह पे माइनस एक रख देता हूं तो वाई बराबर टू आ गया, तो ये वाला पॉइंट आ गया टू। अच्छा सर उससे क्या हो गया, अगर ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया था, आप में से अगर थोड़ा भी ब्रेन चलाओगे तो पता चल जाएगा जो इसका सेंटर होगा इसका मिड पॉइंट होगा, हाँ या ना। तो पहली बात अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो इसका मिड पॉइंट सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने कितने प्रकट हो गए, थ्री प्लस माइनस वन डिवाइड बाई टू, हाँ या ना, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो टू प्लस माइनस सिक्स डिवाइड बाई टू, ये तो हुआ, हाँ या ना। तो अगर ये कोई गौर से देखेगा तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया वन, और ये वाला पॉइंट कितना हो गया फोर माइनस टू, राइट है, वन कॉमा माइनस टू। क्या आपको ध्यान है मैंने अभी भी पिछले क्वेश्चन में एक बात बोली थी कि सेंटर की इक्वेशन जानने के लिए हमारे को दो ही तो चीजें चाहिए होती है, कौन कौन सी दो चीजें, एक तो सेंटर और दूसरा रेडियस। कितने लोगों को पता है कि इसकी रेडियस इन दोनों के बीच के गैप का आधा है, और दो पैरेलल लाइन के बीच का गैप का फॉर्मूला होता है मॉड सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद आ गया कि नहीं आ गया। तो कहना मतलब ये कि अब हमारी फाइट किसके लिए चल पड़ी, रेडियस, राइट है, रेडियस इज इक्वल टू में गैप डिवाइड बाई टू, हाँ है ना, गैप डिवाइड बाई टू, और गैप इज इक्वल टू कितना, अभी भी फॉर्मूला बोला एक बार दोबारा सोचो, मॉड सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट, तो ये टू तो एज इट इज कॉपी का टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट है कि नहीं भाई। अच्छा कोई ऐसा है हमारे बीच में जिसको सी वन सी टू नहीं देखना, तो सी वन बोलो सी टू बोलो माइनस थर्टी, राइट है कि नहीं, तो यहां पे कितना हो गया टेन माइनस माइनस थर्टी, राइट है, और डिवाइड बाई कितना हो गया टू अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब फोर का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, यहां से तो टेन बन गया, ऊपर से चालीस बन गया, चार दिखने लग गया, तो आपको पता है ये रेडियस है या टू इंटू रेडियस है, गैप रेडियस तो रेडियस है या टू करूं, अरे टू बोलो करूं या नहीं करूं, मैं दो मिनट रुकता हूं, करूं नहीं करूं, नहीं करूं, ऑलरेडी डिवाइड बाय टू कर चुका हूं, याद है ना, हाँ थोड़ी देर मैं भी अगर परेशान हूं तो आपको रुक करके सोचने को बोल रहा हूं ना, आर एस रोडू कितना प्रकट हो गया फोर, और रेडियस आ गई चार, सेंटर आए पड़े वन कॉमा माइनस टू, तो मैं क्या लिख दूंगा सर्कल की इक्वेशन कितनी होगी, सो लिख लेते हैं सर्कल, आ जाओ आप कॉपी करना चालू कर दो, इक्वेशन ऑफ सर्किल होगी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एंड द लाइन दिस फाइंड नंबर ऑफ सर्कल्स, या कितने सर्कल ऐसे पॉसिबल है ना, एक बार जरा पहला काम कर लेते हैं, वो जो आपके लिए सबसे मुश्किल है हिंदी करना, सर्कल बताएं जो दोनों एक्सेसेस को टच करता हो और साथ में इस लाइन को भी टच करता हो, कितने ऐसे सर्कल संभव है, राइट है,
तो काम की बात क्या है, काम की बात यह है कि जिन बच्चों ने थोड़ा सा भी ब्रेन लगा के पढ़ाई करी उन्हें पता है इधर अगर 6 पॉजिटिव है, दिख रहा है आपको, ठीक है, तो हम डायरेक्ट खेल सकते हैं। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा एक्स भी कैसा है और वाई भी कैसा है, पॉजिटिव। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, इसका क्या मतलब समझो, ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्या, अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट को कट करती हुई जाएगी पूरी लाइन, तो बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट को आगे क्या, कुछ नहीं है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट को अरे कट करती जाएगी है ना, अगर ये कट करती हुई जाएगी तो इस तरह से जाएगी, अच्छा अगर ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट को कट करती हुई जाएगी तो है ना, कितने ऐसे सर्कल हैं जो संभव है, पहले तो बता देता हूं कितने संभव हैं साहब, एक तो लो सर बीच में, क्यों, क्योंकि आपकी शर्त है कि दोनों एक्सेस को और लाइन को टच करें, और कौन सा पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल है सर ऐसा, ठीक है ऊपर बन रहा है देख लेना, अच्छा एक इधर एक सर यहां पे भी तो संभव है ना सर, देखो सही बात है, ऐसा भी कोई सर्कल होगा जो पॉसिबल होगा, अच्छा एक सर्कल अगर कोई गौर से देखे तो ये इस तरह से भी पॉसिबल होगा, ठीक है एक सर्कल इधर भी कोई पॉसिबल होगा इस तरह से, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए दोनों एक्सेस, देखो क्या है, इसने दोनों एक्सेस और लाइन को टच किया, हाँ या ना, हाँ बढ़ दूं, अच्छा क्या इसने दोनों एक्सेस और लाइन को टच किया, क्या इसने दोनों एक्सेस और लाइन को टच किया, क्या इसने दोनों एक्सेस और लाइन को टच किया, तो हेंस नंबर ऑफ सर्कल्स आर 4। तो पहली बात तो अगर किसी ने पूछा कितने सर्कल बन सकते हैं तो हम बता देंगे साफ साफ शब्दों में कि नंबर ऑफ सर्कल्स इज इक्वल टू कितना 4। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भैया इनमें से आप इक्वेशन बताओ, हमने कहा किसकी बताए, चार चार है ना, तो देखिए ऑब्वियस ही बात है आदमी क्या ढूंढता है, सबसे गरीब धोने के लिए, हाँ या ना, तो अगर धोना है तो सबसे गरीब कौन है, ये छोटू को पकड़ लेते हैं बताओ, हाँ या ना, इसका अपने को इसके बता देते हैं इक्वेशन, ठीक है अगर मान लो खुशी नहीं मिली, सच्चा जो सुख है वो नहीं मिला तो हम और आगे चलेंगे राइट है, अच्छा चलो छोटू को पकड़े, छोटू को पकड़ने का मतलब समझते हैं, छोटू को पकड़ने का मतलब ये है कि हम लोगों को ये बताना है, मैं एक और डायग्राम बना के खराब करूं उसका मतलब नहीं है, मेरे से दोबारा नहीं बनेगा, इतना सही बन गया बहुत सही है, ठीक है ना, इसी को देख लो है ना, अगर अपन बात करते हैं इसका सेंटर यहां कहीं होगा, नहीं दिवाली मनाइए, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपना दिमाग ही जला दिया था है ना, सबसे तेज आवाज वही करता था सर, ये सेंटर है ना, ये सेंटर हो गया, ठीक है अच्छा अगर ये है ना बेजा शोर करता है, ठीक है ये अगर सेंटर हो गया तो ये रेडियस होगी, मैं कहता हूं नहीं ये भी होगी, ये होगी ना, तीनों अपने आप में रेडियस हो गया, अच्छा अब दिमाग लगाने की बात क्या है, दिमाग लगाने की बात यह है कि मैंने कहा कि ये इतना टेढ़ा बनाना ही पाप है, इसको सीधा बनाओ, क्यों बनाओ सीधा, क्योंकि अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये भी 90-90 पड़ गया, क्योंकि एक का 90 है ना, तो ये 90 बनना था, अच्छा अगर ये 90 बन गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म कैसे खत्म हो गया सर, हमारा तो आया ही नहीं हमें, ठीक है खत्म हो गया ना, देखो ये सोचो ना ये दूरी अगर मैं एच मान ली तो ये भी एच होगी ना, कैसे, अरे ये एच है ना रेडियस, तो ये भी तो रेडियस ही है, अरे ऐसा थोड़ी ना उसने सर्कल आज इधर से दो का इधर से तीन का सर्कल बनाया सर मैंने, है ना, तो अगर देखा जाए ये भी एच हो गया, अगर ये एच हो गया तो ऑटोमेटिकली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने प्रकट हो गए, एच कोमा एच हो गए, एच कोमा के आए ही नहीं, नहीं हक का हक मार लिया अपन ने, है ना, एच कोमा के का के दबा लिया, एच कोमा एच हो गया, ठीक है अब देखो जरा अगर ये एच कोमा एच हो गया तो लॉजिकली और सोचते हैं रेडियस, रेडियस कितनी होगी, कुछ आइडिया और नहीं पड़ रहा, और दिमाग लगाते हैं क्या लगा, पॉइंट अरे नहीं ऐसे भी नहीं सोचते, और इन सेंटर तो बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता हो गया, कोई मैथमेटिकल रास्ता ढूंढते हैं, और वैसे हालांकि राय बिल्कुल गलत नहीं है, आंसर आ जाएगा आपके वाले तरीके से बिल्कुल सटाक आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं उस रास्ते से नहीं, और कोई गंदा रास्ता सोच रहा हूं जो आपके दिमाग में ना आए, और कोई रास्ता जिससे मेरे को ये लगे कि हाँ मैंने कुछ पढ़ाया, उम्मीद है एच कोमा एच से ये जो दूरी निकलेगी ये भी एच ही निकलेगी, नहीं आया समझ में, बात समझ में आ रही है आपको, रेडियस ही निकलेगी, अच्छा एच कोमा एच से किसकी दूरी, इस लाइन की दूरी, मुझे दिमाग लगा एच कोमा एच से इस लाइन की दूरी कैसे निकालते हैं, पहले एक सेकंड लिखते हैं है ना, डिस्टेंस ऑफ क्या लिखा, डिस्टेंस ऑफ एच कोमा एच फ्रॉम किससे 4x प्लस में कितना 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू कितना, इक्वल टू h,
अरे हाँ या ना, सही है क्या? नहीं आया समझ में, बात पकड़ में आ गई है ना? अच्छा, अगर इसी बात सोचा जाए तो h कोमा x से इसकी दूरी निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला है, याद है किसी भी पॉइंट से लाइन की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है? हाँ, धीरे धीरे सोचो आप। एच के की अगर अपने को लाइन से दूरी निकालनी है तो फॉर्मूला होता है ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं, कल अपने में से किसी ने पेपर देने की सोची थी क्या? नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूं, अच्छा है, नहीं फालतू में पैसे बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है ना? हाँ, अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला भूल गया तो दिवाली क्या दिखती? एच को मैं एच सी दूरी निकालने का कितना निकल जाएगा? 4h प्लस में कितना? 3h माइनस 6 अपॉन अंडर रूट में कितना? अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बोले तो 5, एंड दैट इज व्हाट h। क्या ख्याल है? और उम्मीद है थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन जोड़ो 7h बराबर 15h बराबर में कितना? 5h। इधर मिला के कितना हो गया? 2h इज इक्वल टू कितना हो गया? 6। h इज इक्वल टू कितना प्रकट हो गया? 3। तो पॉइंट कोऑर्डिनेट चमक गए लो, 3 3 नहीं है। अरे एच इज इक्वल टू 3 आ गया ना, एच इज इक्वल टू 3 आते ही सेंटर आ गया। सेंटर कितना हो गया? सेंटर है एच एच, इसका मतलब कितना हो गया? 3 3। अच्छा सेंटर 3 3 हुआ, कोई बताएगा रेडियस कितनी हुई? रेडियस भी 3। कोई बताएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल? बोलो आप तो डायरेक्ट, सर्कल ये वाला सर्कल है ना, कितना हो गया? एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया। नहीं आसान? हाँ, अब मैंने कहा था जैसा मैंने आपको बोला था कि कुछ मोटी मोटी बातें भी याद दिलाऊं, पहले तो ये याद दिलाऊं ना कि ऐसा हुआ करता था ताकि आप राजी हो जाओ। हाँ ऐसा था, ठीक है। अब मैं आपको और याद दिलाता हूं, देखो ऐसा नहीं था, ऐसा था असलियत में, ऐसा था असलियत में, ऐसा था। भूल गए आप? डिस्टेंस हमेशा मॉड में निकालते हैं, तो सर क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सा पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता है ना। क्या फर्क पड़ता है वो बताता हूं। अब ये गलत नहीं है, ऐसा नहीं है गलत है ऐसा, ये अभी और बताता हूं, इसको जरा करेक्ट वे में लेके आता हूं। अगर मैंने करेक्ट वे में ले लिया तो मुझे पता है यहां पे कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा कितना? 7h माइनस कितना? 6 इज इक्वल टू कितना? 5h। ये तो हुआ। इसके दो केस ले लेता हूं। अगर मैं पहला केस लेता हूं, जब 7h माइनस 6 पॉजिटिव है, ऐसा कैसा बाहर आ रहा है? तब तो ये बन रहा है 5h। और अगर भाई तुम्हें ये नेगेटिव बन रहा है तो 6 माइनस 7h इज इक्वल टू कितना हो गया? 5h। इस केस में h की वैल्यू 1/2 आ रही है, सोचो आप। और इस केस में h की वैल्यू वही आ रही है जो आपने अभी भी निकाली थी 3। और अगर ऐसा है तो ये केस में जो सेंटर प्रकट हो रहा है, इस केस में जो सेंटर प्रकट हो रहा है वो हाफ ऑफ प्रकट हो रहा है, याद आया आपको एच एच? हाँ या ना? और इस केस में सेंटर जो प्रकट हो रहा था 3 3 प्रकट हो रहा था, सही बात है? अच्छा एच एच प्रकट हो रहा था। अब काम की बात सुने आप, काम की बात क्या है? अगर एच एच 3 3 है तो इस केस में रेडियस कितनी प्रकट हो रही थी? रेडियस 3 प्रकट हो रही थी। और इस केस में रेडियस कितनी प्रकट हो रही थी? इस केस में रेडियस हाफ, सही है। और अगर ऐसा है तो आपके दिमाग में फिर से एक नई बात और प्रकट होता नहीं चाहिए। आप में से कोई सोच कर बता देगा कौन सा पॉइंट ओरिजिन के ज्यादा नजदीक है? हाफ हाफ। इसका मतलब ये कि वो जो आंसर था वो तो सही था, लेकिन वो उस सर्कल का नहीं था। हाँ, ये तो बाहर वाले का आंसर आ गया ना। पकड़ में आया आगे या नहीं आया? कहानी पकड़ में आ गई? तो अलग ही कहानी है, तो चीज ही अलग है। समझ में आया कि नहीं है? इसका मतलब ये कि बात तो बिल्कुल बराबर है, बात तो एकदम वाजिब है। ये दो सर्कल है, इस सर्कल की रियल इक्वेशन है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में कितना y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 1/4, राइट है। और इस वाले सर्कल की अगर अपन बात कर रहे हैं, किस सर्कल की बात कर रहे हैं? इस सर्कल की। एक सेकंड दोबारा से बता देता हूं, इस सर्कल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इस सर्कल का पॉइंट है 3 3। और अगर ऐसा है तो ये दूरी और ये दूरी 3 3 है, तब हम लोग कहेंगे इस सर्कल की जो इक्वेशन है ना, इस सर्कल की इक्वेशन विल बी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 3 का स्क्वायर। कहानी पकड़ में आ गई? नहीं
आया है ना। और सोचते हैं और भी सोच सकते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं इसकी, आओ इस वाले सर्कल की बात करते हैं, ठीक है। इस सर्कल की अगर अपन बात करते हैं, इस वाले सर्कल की, राइट है, हम जरा दिमाग इस पे भी लगा लें। अगर इस सर्कल की बात करते हैं तो ये पॉइंट कितना होगा, ये सोचना है और ये बताना है आपको मेरे को। कुछ नहीं बच्चों का काम है, आप ऐसे चैप्टर के गुमान में मत आना, ठीक है। छोटा मोटा लफड़ा साहब बचपन से करते हैं, अक्सर भूल जाते हो। जब आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आप कैसे याद रख सकते हो कि उसमें मॉड भी हुआ करता था, नहीं। हाँ भाई, इस पॉइंट के लिए अगर मेरे को सेंटर निकालना तो कैसे निकालूंगा? तो क्या आपको लगता है, एक मैं तो बहुत छोटी सी बात पूछता हूँ, वैसे तो एक्स सेंटर है, एक्स सेंटर, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा ब्रेन और स्ट्रॉन्ग करो तो एक बात बताना जरा, क्या लगता है आपको ये डिस्टेंस कितनी होगी? उतनी होगी जितनी ये, हाँ या ना, उतनी होगी जितनी ये, तो पक्की बात है जितना। हाँ, ये अगर बाय द वे मैंने इसको अगर एच कह दिया, इसको अगर मैंने एच कह दिया तो ये भी एच हो गया और ये भी एच हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए एच कॉमा माइनस है, सोचो आप, पक्का? अच्छा, लेकिन रेडियस भी एच ही हो गई है ना। अच्छा, अब याद है अपन क्या कहेंगे, एच कॉमा माइनस एच की किससे डिस्टेंस, लाइन से, इज इक्वल टू कितनी, एच नहीं है सामने, अरे एच कॉमा माइनस एच की लाइन से डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना, एच, तो मैं लिख दू ये वाली बात है कि नहीं, तो मैं लिख देता हूं एच कॉमा माइनस एच की किससे डिस्टेंस, लाइन से डिस्टेंस, लाइन क्या है, फोर एक्स प्लस, कहां पर ली, फोर एक्स प्लस थ्री वाई, फोर एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स इज इक्वल टू कितना, या यूं कह सकते हो माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू एच ले लू। और अगर मैं ऐसा कहता हूं तो आपकी और डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप रखवाई दो प्लीज, है ना, बिल्कुल ये होती है ना जवाब, फोर एच माइनस थ्री एच माइनस सिक्स का मॉड, अब क्या नहीं करूँ ना वसीम गलती, अपॉन में नीचे बोलो, अपॉन में फाइव इज इक्वल टू कितना एच, ये तो प्लस का ले रहा हूं मैं। अच्छा, उम्मीद ये भी पता चल गया होगी माइनस एच माइनस सिक्स, राइट है, अपॉन में कितना फाइव इज इक्वल टू कितना फाइव एच, अच्छा ये एच आएगा। हाँ भाई, तो अब यहां से फिर से दो केस प्रकट होने वाले, कौन कौन से दो केस प्रकट होने वाले, एच माइनस सिक्स इज इक्वल टू फाइव एच या सिक्स माइनस एच इज इक्वल टू फाइव एच, और अगर ऐसा है तो ये कितना हो गया, 4h is equal to minus 6, इसका मतलब h is equal to कितना, minus 3 by 2। कोई सर्कल की इक्वेशन डायरेक्ट बोल देगा, क्या लिखूं बोलो, x प्लस या माइनस, प्लस, हाँ 3 by 2, आगे बोलो, प्लस y माइनस 3 by 2। अच्छा सेंटर बोलो, अब तो सेंटर बोलो, बाकी मेरे को अपने आप समझ नहीं आएगा, सेंटर बोलो, सेंटर माइनस 3 by 2 कॉमा 3 by 2, कौन सा फॉर्मूला लगा बैठे, h कॉमा एच कोमा माइनस एच इज इक्वल टू में कितना, माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, हाँ है ना, नहीं है, सही है, बाकी तो हम उधर दूसरे वाले को तो आप संभाल लोगे, सही है, आ गया देखो, जिसका मतलब अलग अलग साइज के सर्कल बनेंगे, पक्का हो गया, रेडियस अलग अलग है, किसी की रेडियस तीन है, किसी की रेडियस हाफ है, किसी की रेडियस थ्री बाई टू है ना। हाँ तो अपन प्लस कर लेंगे ना उसको, तो है ना, प्लस कर लेंगे, ये वाली जो वैल्यू निकलेगी वो दूसरे वाले की निकल जाएगी, इसकी इसकी वैल्यू निकलेगी इसकी, हाँ अपन फोटो जरूर उसकी लेके चल रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा वो, है ना। हाँ, ये तो अपने को क्वाड्रेंट वगैरह तो अपने को मिलाने पड़ेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में खेल हो गया आप, छोटा तो क्वेश्चन पर देखो, है ना, हाउ मेनी सर्कल्स आर पॉसिबल, अगर भाई देवी ये भी हटा दो ना तो कितना छोटा तो क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग बोथ द लाइंस एंड एक्सिस, करते ही जाओ, अभी भी एक सर्कल निकालना नहीं है, वो और निकालना तो बच्ची कॉपी और बढ़ जाए, है ना, करें अगले पेपर। देखा
से लिखा हुआ है टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब समझिए दो टू डिग्री इक्वेशंस दे रखी है, पहली टू डिग्री इक्वेशन ये रही और सेकंड टू डिग्री इक्वेशन ये रही, फर्क क्या दोनों में, जहां ए वहां ए डैश है, जहां बी वहां बी डैश, जहां एच वहां एच डैश, जी जी डैश, एफ एफ डैश, सी सी डैश, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, एक बार मैं हिंदी में अनुवाद कर देता हूं, दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक इक्वेशन में दो पेयर है, दो पेयर इसके पास है, दो पेयर इसके पास है, कुल मिलाकर कितनी लाइन होगी, चार लाइन होगी, चार लाइन है ना, चार लाइन है, और उनके अंदर आगे क्या बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे को कॉन्साइक्लिक पॉइंट पे कट करती हैं, कॉन्साइक्लिक पॉइंट पे कट करती हैं, कहने का मतलब हो गया कि वो चारों जो हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट जो होंगे वो सर्कल पे आ रहे हैं, कहां पे आ रहे हैं, सर्कल पे आ रहे हैं, कहने का मतलब समझा देता हूं, समझा भी देता हूं इसको, जैसे एक सर्कल है ना, एक लाइन यूं जा रही है और दूसरी लाइन यूं जा रही है और तीसरी लाइन यूं कहीं जा रही है और चौथी लाइन यूं कहीं जा रही है कि नहीं, तो ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, दिख रही है आपको, ये दो पेयर हो गए और वैसे ही ये दो पेयर हो गए और चारों के जो कटिंग पॉइंट है वो कहां पे पधार रहे हैं, सर्कल पे, अगर ये चारों के कटिंग पॉइंट अगर सर्कल पे आ रहे हैं तो हम कहते हैं इसे कहते हैं कॉन्साइक्लिक पॉइंट होना, बात पकड़ में आई हमको, इसे कहते हैं कॉन्साइक्लिक पॉइंट होना, बट नॉट नेसेसरी लाइक दिस ऑलवेज है ना, पहले ये क्लियर कर देता हूं, फिलहाल अभी वाली सिचुएशन में तो ये मतलब है, अभी काम की बात का मतलब क्या है, इसके बाद की बात ये है, अब चाहने वाला क्या चाहता है, कहते हैं भैया ये अगर ऐसा है तो आप बता दो कैसा होगा, क्या होगा, राइट है, अच्छा अब कहानी में एंटर कैसे करें, हाँ ये तो सबसे बड़ा पंगा है, एंटर कैसे करें, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिख लिया, अच्छा आगे सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं क्या किया जाए, कौन सा एग्जैक्ट पॉइंट ये केस में, थ्योरेटिकली एक और चीज भी जो मिसिंग है आप में, इसमें मतलब अपन ने पहला क्वेश्चन बचा हुआ अभी आप इतना तकती नहीं, हाँ चलिए अगले क्वेश्चन में बात कर लेंगे, ये पहले वाला बता, देखिए साहब कहानी में क्या मिसिंग है ना, मिसिंग ये है कि क्या आप इस बात के लिए राजी हैं जो मैं लिख रहा हूं, इन दोनों को देखने के बाद में क्या आप ये कह सकते हैं कि अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये दिखने लग गया आपको ए प्लस ए डैश है ना, अच्छा थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, थोड़ा और दिमाग लगा लेते हैं, ठीक है ना, एक जो बेसिक पॉइंट जो मिसिंग है फिर इसका मतलब पूरा पूरा मिसिंग है, मैं इसको जरा पहले लिख देता हूं, इसकी थ्योरी जरा सी थोड़ी सी है, जरा सी थ्योरी है वो पहले आपको बता देता हूं, इसकी थ्योरी इतनी सी बात कहती है कि इन केस अगर बाय द वे आपके पास में दो लाइन है, एक का नाम L1 L2 ठीक है ना, और अगर बाय द वे दूसरी लाइन है L3 L4 ठीक है ना, L3 L4 पहली दो लाइन है कौन कौन सी, L1 L2 और दूसरी दो लाइन है L3 L4 ठीक है ना, अगर दे मीट एट अ सर्कल, दे मीट एट अ सर्कल, अगर बाय द वे ये सारी की सारी लाइनें एक ही सर्कल पे आके मिले हैं या क्रिएटिंग कॉन्साइक्लिक पॉइंट, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ऐसा करते हैं L1 L2 प्लस लैम्डा इनटू में L3 L4 इक्वल टू जीरो कर देते हैं, L1 L2 प्लस इतना इक्वल टू जीरो कर देते हैं, बस जैसे हम ए जीरो करते हैं ना तो हमारे पास में दो इक्वेशन आने लग जाती है, है ना, और आने के बाद में फिर दो स्टेप में काम चलाते हैं, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेप कहते हैं कि एक तरफ तो कोफिशियंट ऑफ xy इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं और दूसरी तरफ क्या करते हैं, दूसरी तरफ एक और चालाकी भी करते हैं, यदि किसी को याद हो तो कोफिशियंट ऑफ है ना x2 इज इक्वल टू में क्या करेंगे, कोफिशियंट ऑफ y2 कर देंगे, बस ये दो स्टेप जब हमने लगाए तो हमारे पास में कंडीशन ऑफ सर्कल आने लगती है, कंडीशन ऑफ कॉन्साइक्लिक पॉइंट, कंडीशन ऑफ कॉन्साइक्लिक पॉइंट आने लगती है, अब जरा इस कहानी को समझना, अगर बाय द वे मैं इस कहानी को जरा दोबारा से जोड़ता हूं तो कहने का मतलब मैंने क्या किया, L1 L2 क्या चीज है, ये
L1 L2 है, कैसे पता सर ये L1 L2 है? अरे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, हाँ है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब दो लाइनें ऑलरेडी है। और बच्चा दिमाग लगा रहा है साला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसे आने लगी क्या आजकल, है ना। और याद करो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे बनाई थी हम लोगों ने, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर हम लोगों ने दो केस किए थे, याद है किसी को? एक केस ऐसा किया था जिसमें हम लोग ये क्या करते थे कि हमारे पास में पहली लाइन होती थी y माइनस m1 x और दूसरी कितनी y माइनस m2 x, याद है, और दोनों का मल्टीप्लाई करते थे और मल्टीप्लाई करने से कैसी स्टोरी प्रकट होने लग जाती थी, ax स्क्वायर प्लस में कितना 2hxy प्लस में कितना by स्क्वायर इक्वल टू 0, याद है ना, ऐसी फोटो प्रकट होने लग जाती थी अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं। और अगर मैं ऐसी इक्वेशनों को मल्टीप्लाई ना कर करके कैसी इक्वेशनों को मल्टीप्लाई कर बैठूं, अगर मैंने सपोज करो ऐसी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दी होती कैसी, a1x प्लस में कितना b1y प्लस c1 मल्टीप्लाइड बाई a2x प्लस में कितना b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 जैसी चीजें अगर प्रकट कर दी होती तो क्या होता, राइट है, तब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से वही मेरे को क्या मिलता, ax स्क्वायर प्लस में कितना 2hxy प्लस में कितना by स्क्वायर प्लस 2gx, याद है, एंड सो ऑन। ये तो चीज मिलती थी, कहां से मिलती थी, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से मिलती थी। और ये दोनों कौन है, ये वाली साइड क्या है L1 और ये वाली साइड क्या है L2, इसका मतलब ये जो मिलती है क्या चीज है, L1 L2 तो है, इसका मतलब ये जो दे रखा है वो L1 L2 है, फिर ये क्या चीज है, फिर ये क्या है, ये L3 L4 है। अच्छा अगर ये L1 L2 और ये L3 L4 है तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसी फोटो बनानी है। ऐसी फोटो कैसे बनती है, अरे कुछ नहीं, पहली इक्वेशन प्लस लैम्डा इनटू में दूसरी इक्वेशन, प्लस का मतलब एड, मुश्किल है सोचो लेकिन, हाँ है ना, प्लस माने एड नहीं, अरे सुबह तो मेरे को ये पूछना पड़ गया, ये डस्टर ना बेटा है ना, देखो डस्टर इस पर रखा हुआ है, ये देखो चौक यहाँ रखी है, इसे ऐसे बोलते हैं, देखो बेटा ये ऊपर की लकीर है, ये देखो ये वायर है, ये पत्ती है, ठीक है ऐसे बताया मैंने, मैंने कहा फिर ये क्वेश्चन है, ठीक है धीरे धीरे लेके आया मैं, ये देखो अब धीरे धीरे नजर बैठ रही है तुम्हारी, ये क्या लिखा था, तो ऐसा बच्चों मतलब मीट, मीट मतलब मिलना, ठीक है, एट एट माने पर, ए सर्कल, ए सर्कल माने एक सर्कल पर, ऐसे धीरे धीरे जोड़ जोड़ करके उनका संपट बैठाया, फोकस ही नहीं बैठ रहा था, एक बच्चों उधर देख रहा है, किधर देख रहा है, एक नाखून देख रहा है, एक दांत को रेज रहा है, ये क्या है यार, क्या हो रहा है ना, तो मैंने रोका, मैंने कहा रुक भाई रुक रुक आराम से, है ना, जो पहली बार में नहीं बैठना, दिवाली का बोर्ड तोड़ी ना अच्छा लगता है ना, अब घर से आए हैं हलवा चढ़ गया दिमाग में, ठीक है खाया तो मुंह में था, तो ये पेट में जाने का दिमाग में चढ़ गया इतना ज्यादा खा लिया। तो ये L1 L2 ये L3 L4 अगर मैंने इनको उस फोटो के हिसाब से जोड़ दिया तो x पर कॉमन आ जाएगा और a प्लस लैम्डा a डैश चमकने लग जाएगा, सोचना, ठीक है, अगली लाइन सोचना, y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, b प्लस लैम्डा b डैश कॉमन आ जाएगा, हाँ या ना, और सोचो और क्या कॉमन आ जाएगा, 2xy कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, h प्लस लैम्डा h डैश, ये भी कॉमन आ जाएगा। अच्छा लेकिन यहां क्या होगा, 2x कॉमन आ जाएगा, याद है, अंदर क्या बचेगा, g प्लस लैम्डा g डैश, राइट है। अब एक मिनट के लिए जरा इस क्वेश्चन को एकदम करेक्टली ले लेते हैं, करेक्टली लेने का मतलब होता है, ठीक है बिल्कुल सही है क्वेश्चन, है ना भाई, लैम्डा g डैश है और यहां पे कितना हो जाएगा 2y, यहां पे कितना f प्लस लैम्डा f डैश। मैं एक्चुअली यार ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो कराता हूं, पहले दिन पहली लाइन में कराता हूं, लेकिन वो 11th में दिमाग में निकल गया मेरे, क्योंकि आपकी शक्ल इतनी भोली हो गई थी ना, इक्वल टू में कितना हो गया सी प्लस सी डैश, तभी तो मैं सोच रहा था मैंने ये बात बोली नहीं क्या, कौन सा अगली पॉइंट वाली, फिर मैं देखने गया, मैंने फर्स्ट डे फिर शो कराया नहीं इशारा था, खैर कोई बात नहीं, ये आ गया, ये आने के बाद में अब हमारी फोटो किसकी बन गई है, ये टोटल क्या चीज प्रकट हुई है, ये प्रकट हुआ L1 L2 प्लस में कितना लैम्डा L3 L4 इक्वल टू 0, ये प्रकट हो चुका है। अब ये प्रकट होने के बाद करना क्या है, दो बिल्कुल बेवकूफी वाले काम, पहला x स्क्वायर का कोफिशियंट इक्वल टू कितना y स्क्वायर का कोफिशियंट, अगर मैंने x स्क्वायर का कोफिशियंट इक्वल टू y स्क्वायर का कोफिशियंट रख दिया तो कितना हो जाएगा a प्लस लैम्डा a डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा b प्लस लैम्डा b डैश, और दूसरी तरफ से b काम क्या करना था, x y का कोफिशियंट इक्वल टू 0, तो x y का कोफिशियंट क्या है, x y का कोफिशियंट है 2 * में h प्लस लैम्डा h डैश इक्वल टू कितना हो गया 0, जिसमें 2 तो मना कर देगा हम तो 0 देते ही नहीं, तो ये दोनों आंबर देंगे कि हमने 0 दिया है, इसका मतलब हम लोग पकड़ लेंगे लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया माइनस h डैश अपॉन h। अच्छा इधर भी क्या होगा, इधर भी लैम्डा अपने आप में चमत्कार दिखा रहा होगा, कैसे दिखा रहा होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू में कितना है? सोचना जरा लैम्डा b डैश माइनस बी, सोचो जल्दी, हाँ है ना, और ये लैम्डा की वैल्यू, हाँ है ना, ये लैम्डा की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, अच्छा यहां भी सही कर देता है,
हाँ भाई, अब देखो जरा ये लैम्डा की वैल्यू उठा के यहां रख दूं, अरे खाली पड़ी है, रखी दे दे, है ना। अच्छा अगर मैंने यहां रख दिया तो कितना हो जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू में लैम्डा की जगह कितना हो जाएगा माइनस में एच अपॉन में कितना एच डैश, और यहां कितना हो जाएगा बी डैश माइनस ए डैश। क्या किया सर, बोलो आंसर आ गया या आना बाकी है, क्या करूं इसको नीचे रख दूं, नीचे रखते कितना हो जाएगा ए माइनस बी डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए डैश माइनस बी डैश अपॉन में कितना, यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, राइट है, ठीक है। सेकंड लाइन अभी करते हैं प्रूफ, पहले यहां तक हो जाए, अपने में से कुछ बच्चे हैं है ना जो खाली बैठे हैं, तो आज वो पैटीज वाला नहीं आया ना। मान लीजिए कि आपको भयंकर डाउट हो गया, क्या आई डाउट सर, ठीक है आई डाउट अबाउट द प्रोसेस, है ना, कि तो वो जंगल में मोर नाचे किसने देखे, किसको पता, मैंने कह दिया कि नाच रहे हैं, आप मान लो तो ठीक है, नहीं मान लो तो भी क्या पता चलता है किसको, ठीक है चार पांच तो मिल ही जाते हैं मानने वाले, लेकिन डाउट करने वाले भी मिल जाते हैं, सर ये पता नहीं हो सकता है सही है फंडा या ऐसे ही कोई गोटी दे गया, ठीक है देखते हैं वो भी पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लाइंस, ठीक है ना, हाँ वो मैं समझ गया, ये आपने तब नहीं बोला जब मैंने पूछा था, ठीक है। एंड दूसरा दे रखें ए टू एक्स प्लस में कितना बी टू वाई प्लस में कितना सी टू इक्वल टू जीरो, कट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट्स, कट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट देन पॉइंट्स विल बी कॉनसाइक्लिक, पॉइंट्स विल बी कॉनसाइक्लिक इफ, ठीक है ना, इफ फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट इज ए वन बी टू इज इक्वल टू ए टू बी वन, ठीक है सेकेंड ऑप्शन है ए वन ए टू इज इक्वल टू बी वन बी टू, ठीक है भाई, एंड थर्ड ऑप्शन है ए वन सी टू इज इक्वल टू में कितना ए टू सी वन, एंड द फोर्थ वन इज बी वन सी टू इज इक्वल टू में कितना बी टू सी वन, है ना भाई। कुल मिलाकर के हमारे पास चार पॉइंट है जो चमक रहे हैं। अब काम की बात क्या है, ये इसका मतलब क्या है, भावार्थ तो बताओ, भावार्थ से तो चालू होती कहानी, है ना, भावार्थ ये कि हम ये लाइन और ये लाइन कितनी लाइन होगी दो लाइनें, कट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कट्स का मतलब काटते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस माने एक्स और वाई एक्सिस को, अच्छा एक मिनट पहले फोटो आने दो, ये दो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सही है, कोई बताएगा इसकी इक्वेशन, बोलो एक्स एक्सिस की मुझे पता था नहीं बताएंगे आप, वाई इक्वल टू जीरो इसकी बोलो चलो ऐसे इक्वल टू जीरो, है ना भाई। अच्छा कभी भी अगर बाई द वे कोई भी लाइन अगर इन्हें काटेगी तो कितनी जगह काट सकती है, दो जगह, कंफर्म है, है ना। अच्छा एक और बात पूछता हूं, ये दूसरी लाइन है ठीक है, इसने भी कट मारा कितनी जगह मारेगी, दो जगह, टोटल कितनी जगह कट पड़ गया चार जगह, अभी भी दो है ना, टोटल कितनी जगह कट हो गया चार जगह, ये पहली ये दूसरी ये अगली और ये अगली, चारों पॉइंट्स कैसे बताए सरकार ने, कौन साइक्लिक, कौन साइक्लिक का मतलब ये कि चारों पॉइंट से एक सर्कल गुजर रहा है, अगर चारों पॉइंट से एक सर्कल गुजर रहा है तो गुजर होगा भाई, है ना, अपन के दिल पे नहीं ऐसा कुछ फोटो आने वाला होगा, है ना भाई, ऐसा कुछ होगा फोटो, मान लेना कि ठीक है आ गया बढ़िया सही भाई, ऐसा कुछ आ जाएगा अपन मान लेते हैं, है ना, हाँ कौन अपन को, अपने कोई मैथमेटिशियन है कलाकार थोड़ी ना, ठीक है बिल्कुल घुनाओगे एकदम, है ना, रोटी बेलता हम मैं तो आराम से खा लेते हैं घर वाले अब, ठीक है तीन चार दिन तक चेंजिंग करी थी फिर उसके बाद ठीक है। अच्छा ठीक है आप समझ लो, हाँ यार सच्चाई बताओ तो मतलब हंसते हैं लोग, क्या जमाना है। अच्छा चलो ये हो गया है ना, ठीक है चलो अभी भी है ना 80% अंतर लड़के ही है, ठीक है ना,
बाद में पता चले ठीक है। अच्छा मजाक की बात है, सीरियस बातें कर रहे, सीरियस बातें है ना सर, मैं तो रोटी मेकर मंगाऊंगा ठीक है, उसका एड भी बहुत आता है ना, पहले मैं बहुत दुबला था ठीक है, मैं बहुत शर्माता था, कपड़े भी फिट नहीं आते थे वगैरह वगैरह है ना। अच्छा अब मैं रोटी खुद बनाता हूँ इस रोटी मेकर से। अच्छा ये तो सर्कल है ना, ये चारों के चारों पॉइंट से होकर गुजरता है। अच्छा तो चारों पॉइंट कैसे हो गए, कॉन्साइक्लिक हो गए। अच्छा अगर ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हो गए तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, वो मैं तो भूल गया पीछे क्या लिखा था ठीक है, मैं तो बिल्कुल नए लिहाज पे खेल रहा हूं, क्योंकि डाउट हो गया आपको, तो डाउट हो गया ना कि पता नहीं पिछला वाला फंडा सही है या गलत है, तो कोई दूसरे फंडे से निकलूं, दूसरे फंडे से निकल जाते हैं है ना। आप में से कई लोग ये कह देंगे, अभी कह देंगे, अगर मैं इनके सामने बोलूं कि ये व्हाइट वाली जो लाइन है, ये व्हाइट वाली लाइन अपने आप में ए वन एक्स प्लस में बी वन वाई इज इक्वल टू में माइनस का सी वन है, उम्मीद है क्या आप में से कई लोगों से जानबूझ के हाँ भरवा रहा हूं, तो कई लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा कि ये हाँ इसलिए भरवाई गई होगी कि ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी माइनस का सी वन अपॉन ए वन बोलेंगे। कहां बोली होगी ये बात, कहीं रोमबस के दौरान ए मॉड एक्स प्लस बी मॉड वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के दौरान ये बात बोली है, और जिन लोगों को ऐसे याद आया उन्होंने खुद ने अपने शब्द बोल दिए इंटरसेप्ट याद है, और किसी को वाई इंटरसेप्ट याद हो, ये व्हाइट वाले का माइनस का कितना सी वन बाय बी वन राइट है भाई। अब जरा ब्लू वाले के बारे में बात करो, ब्लू वाले का ये इंटरसेप्ट की वैल्यू बोलो माइनस का सी टू अपॉन बी टू राइट है, और उसी प्रकार से ब्लू वाले के लिए अंदर है ना यहां से लेके यहां तक की दूरी माइनस का सी वन सी टू अपॉन ए टू, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा और सोचते हैं और ऐसी कौन सी बात हो सकती है, अपने इंटरसेप्ट भी निकाल लिए, क्या करें इंटरसेप्ट निकालने के बाद, कुछ नहीं छोड़ देते, क्या करें छोड़ देते हैं हाँ? क्या ऐसा है जो इनका इनकम करेंगे क्या, इंटरसेप्ट तो निकाल लिया सर अपने इतनी मेहनत करके, अब आप दिमाग लगाओ दिमाग नहीं नहीं थोड़ा सा और मैं चाहता हूँ आप ही लगाओ ना, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, मैं आपको इस रास्ते तक लेकर आया हूं तो आप कम से कम ये तो दिमाग लगाओ कि आखिरकार मैंने ये चीज निकलवाई है तो क्या थॉट रही होगी, नहीं थोड़ा सा और दिमाग लगाया जाए, क्या दिमाग लगाना है, ये दिमाग लगाना है, बड़ा सिंपल सा दिमाग लगवा रहा हूं, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन, क्या ऐसा कुछ संभव है। अब देखो मेरे को कोई तीसरे मेथड की तरफ लेके जा रहा है, तीसरा मेथड की तरफ लेके जा रहा है, रुकना, मैं ऐसी जल्दबाजी में नहीं छोड़ूंगा आपको, चिंता मत करो छोड़ूंगा नहीं, मैं इस जगह तक लाया हूं, मैंने आपको जानबूझकर फिर हैंग किया है, क्योंकि ये जो वो जगह है ना जहां पे अच्छा स्टूडेंट हुआ कि ब्रेन स्टॉर्म करता है यार क्या चीज चल रही, कुछ ऐसा है ना जो मेरे को सीखना है। हालांकि एक बच्चे ने मेरे को एक नई चीज और बोली, उसने कहा टॉलमी थ्योरम तक आ सकते हैं अपन, लेकिन अभी उस पर नहीं जाना था, तो वो तीसरा मेथड खुल जाएगा मेरा, और मैं तीसरे मेथड पर नहीं जा रहा, मैं वापस इसको यहां हैंग छोड़ करके थोड़ी सी देर के लिए हैंग छोड़ के है ना लंबी चौड़ी दूरी तक नहीं जा रहा, आपके सामने एक बात रख रहा हूं, क्या बात रख रहा हूं कि अगर मेरे पास में दोनों लाइनें हैं है ना, मैं यहां जो लिखा था ना येलो चौक से उसी चीज को लिख रहा हूं, मैंने आपके सामने लिखा था एल वन एल टू प्लस में कितना लैम्डा इनटू में कितना एल थ्री एल फोर इक्वल टू जीरो, अब मैं बात नहीं कर रहा सिर्फ रख रहा हूं आपके सामने ए वन एक्स प्लस में कितना बी वन वाई प्लस में कितना सी वन इंटू में कितना ए टू एक्स प्लस में कितना बी टू वाई प्लस में कितना सी टू, ये एल वन एल टू प्लस में लैम्डा इंटू में बाकी बची दो आर्म्स एक्स और वाई याद है इक्वल टू जीरो, याद है आपको कौन कौन सी चार लाइनें थी पूरी कहानी में, चार लाइनें कौन कौन सी थी पता है आपको, ये लाइन एक, ये लाइन दो, ये लाइन तीन, ये लाइन चार, सही है कि नहीं, और चारों लाइनों के कॉन्साइक्लिक होने की कहानी उठी थी, और अगर ये वाली बात सही है तो अपने जैसे इनको मल्टीप्लाई किया और फिर अपने को क्या करना है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर, आप मेरे को बताएगा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो रहा है, कोफिशियंट ऑफ a1 a2 x स्क्वायर का कोफिशियंट, y स्क्वायर का कोफिशियंट बोलो b1 b2 राइट है, और दूसरी तरफ से xy का कोफिशियंट बोलो
हाँ, एक्स वाई का कोफिशियंट तो यहां भी बन रहा है, देखो क्या ये एक्स वाई नहीं दे रहा, बोलो कितना, आप बोलो कि मैं लिखूंगा कितना लेना है, बी वन ए टू प्लस प्लस में कितना ए वन बी टू, ए वन बी टू प्लस प्लस में लैम्डा, ठीक है ना, इक्वल टू कितना जीरो, सही है। यहां से अपने पास में लैम्डा की वैल्यू चमकने लग गई, लैम्डा इज इक्वल टू, हालांकि लैम्डा की वैल्यू नहीं चाहिए थी हमको, तो यही प्रूव करना था ये वाली बात। अब आप अपने दिमाग से सोचो इसको कैसे प्रूव करूं, आंसर तो आ गया, फिर इसका यूज कैसे करूं कि ये चीज सेम आ जाए, थॉट दोगे आप, नहीं आया था मैं समझाता हूं मैं क्या चाहता हूं, मैंने आपको यहां तक ले आया, इंटरसेप्ट तक ले आया, इंटरसेप्ट तक लाने के बाद में इनका मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, तब ये ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी वन बी टू आ जाएगा। आपको मुझे बताना है कि मैं मल्टीप्लाई क्यों करूं, कहानी पकड़ में आ गई आपको, आपको बताना है मैं मल्टीप्लाई क्यों करूंगा, आंसर दिए, आंसर मैंने लगा दिया आपके आगे, आंसर तो लिख लो यहां तक सेकंड मेथड से, ठीक है ना। थोड़ी सी देर में करते हैं ना, दिमाग लगाते हैं, आप लिखोगे तो शायद दिमाग कम कर जाएगा आपका। क्वेश्चन में मेरे को एक ही जगह पे डाउट हो रहा है हर बार, सी में पता नहीं क्यों, ये आंसर उससे कैसे आएगा, लॉजिक बताओगे आप, लॉजिक हाँ मल्टीप्लाई कर से करने से आ जाएगा, लेकिन कैसे आएगा, मैं मल्टीप्लाई क्यों करूंगा, नहीं ना, कौन सा, हाँ कौन सा, वो तो ये बोल चुका है, ये बोल चुका है, मैंने इसको गलत नहीं ठहराया, यही था, और ये बोल चुका है और आप वही बोल रहे हो और मैं उसी पे हां कर दूंगा, लेकिन आपको मेरे को मनवाना पड़ेगा, कैसे लगी टॉल में, नहीं टॉल में ही लगेगी, और हां भर रहा हूं, चलो आपने इतना सोचा तो भी मैंने हां भी भर दी कि टॉल में लगेगी, लेकिन आपको मेरे को मनवाना पड़ेगा कैसे लगी, श्योर करो मुझे कि टॉल में लग गई सर, देखो आप टॉल में लग गई, आप गलत देख रहे हो, टॉल में लग गई, अब बच्चों को याद आएगा टॉल में क्या थी, टॉलमी क्या थी, इंटरसेप्ट का नहीं रे, कितने तरीके से बताऊं, मैंने आपको कितनी बार बताया टॉलमी, आप फिर मिस कर गए, अभी तो मैं आपको हैंग करके चल रहा हूं क्योंकि आप बोल ही नहीं रहा, एक बच्चे ने बोला फिर मैंने उसको थोड़ा डाइवर्ट किया, दूसरे ने बोला, लेकिन टॉलमी कितने लोगों को याद है, याद दिलाऊं, टॉलमी के दो फॉर्मेट सिखाए थे मैंने आपको, क्यों बोल रहे हैं आप बार बार, एक टॉलमी ये सिखाई थी याद है आपको, कितने लोगों को याद है, ये वाला पॉइंट क्या था, पी ये 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 डी, कितने लोगों को याद है टॉलमी क्या थी, कितना पी ए इंटू पी बी इजिकल टू पी बी इजिकल टू पी सी इंटू पी डी, याद आया ना आपको, हाँ यार मेरी इतनी मेहनत पे क्यों पानी फेर रहा, एक और टॉलमी का एक और फॉर्मेट भी सिखाया था मैंने आपको, याद है कौन सा वाला, अगर वो यूं कर जाए तो, हाँ या ना, इसको क्या बोलते थे और इसको ए बी, याद है आपको क्या क्या होता था टॉलमी क्या थी, एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी, अब याद आया, अगर आपको टॉलमी याद आ गई तो आपको ये चीज भी तो याद आनी चाहिए, आज के दिन पी का है ये रहा, आज के दिन पी ये रहा, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू कितना पीसी इंटू पीडी, नहीं आया समझ में, कितने लोगों को कहानी पकड़ मांगी, पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू पीसी इंटू पीडी, चार या पांच हाथ खड़े हो गए, हाँ बात समझ में आ रही है ना, पीए इंटू पीसी, अब वही तो मैं आपके सामने मैं बोल ही नहीं रहा, मैं तो इंटरसेप्ट दिखा रहा हूं आपको, लेकिन आपको इस पे करना चाहिए, और ये तो टॉलमी लेके जा रहे हैं मेरे को, नहीं आया, और मैंने आपको बता दिया कि जहां एक साथ सारे जानवर इकट्ठे खड़े जाते हैं उधर चिड़ियाघर बोलते हैं, और मैं आपको चिड़ियाघर में लिया जहां ढेर सारे जानवर, तो आपको याद आना चाहिए चिड़ियाघर तो नहीं ले, हाँ यार जो चीज मैंने थ्योरेटिकली एक एक चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं चार चार बार पांच पांच बार, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो मैं यहां तक ला चुका हूं,
अच्छा मान लो आप अभी भी नहीं, आप में सभी सरेंडर मार देते, मान लो कोई पढ़ता ही नहीं, किसी को दिमाग में नहीं आता, तो मैं क्या करता, ठीक है ना, तब भी मैं हारता नहीं, मेरा अगला पड़ाव तैयार था, मैं आपके सामने इसी डायग्राम को पलट देता, इसी डायग्राम को कैसे पलटता, ऐसे पलटता, सही है, बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से, अब की बार मेरी पहली लाइन यू जारी होती और दूसरी लाइन यू जारी होती, मैं कहता मैंने लाइन बदल ली, लो नहीं आया समझ में, अरे ये जो दो लाइन है ना यू कट मारती हुई लेके गया हूं ना मैं, अब की बार मैं ये दो लाइनें ऐसे लेके जा रहा होता, ऐसे ऐसे, उससे क्या होता, उससे ये वाला होता था कितना, C1 अपॉन A1, याद आया आपको, नहीं C1 अपॉन B1, और ये कितना होता था, C2 अपॉन B2, माइनस के पीछे मत पढ़ना प्लीज, ठीक है ना, C1 अपॉन A1, C1 अपॉन B1, और ये कितना होता था, C1 अपॉन A1, C2 अपॉन A2, याद है कि नहीं, और अब मैं आपसे पूछता, अभी भी टोल नहीं आती आई, X into Y = A into B, नहीं आता यहां फिर से टॉल, मैं तो पीछे पड़ जाता आपके, घूमता रहता मैं आपके इर्द गिर्द, नहीं कहानी पकड़ में आ गई, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया था, मेरे दिमाग में अगली प्लानिंग क्या होती, अब ये नहीं आया तो अब तो यार ये हथियार उठा नहीं, अरे ये क्या है, डस्टर है, ऐसे ऐसे लेके जाना पड़ेगा, दो तीन दिन तक मुझे पता है ना, हाँ ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ये देखा नहीं आता रहा, अच्छा ये याद आ रहा है, देखो ये याद आ रहा है, देखो ये ऐसे मिला रहा हूं मैं तो आपको, पता अभी, और आप पलक झपकाना बंद कर दे तो पता है सबसे दर्दनाक बात तब होती है जब पलक नहीं झपकाते आप, ठीक है, ऐसा लगता है बस यही शरीर यही रह गया भाई का, आत्मा तो अभी गांव में, ठीक है, हाँ भाई ये टॉलमी मेथड 2 लगा दूं भैया, शेयर कर दूं, है ना, ठीक है, अच्छा टॉमी देरों की खास बात क्या है, कितनी हंसी आती है ना आप लोगों को, अच्छा माइनस का ये इनटू में कितना, माइनस का C2 अपॉन A2 इज इक्वल टू कितना, माइनस का C1 अपॉन B1 इनटू में कितना, माइनस का C2 अपॉन B2, क्या कह रहा है, C1 C2 तो उड़ गया, ठीक है, तो फाइनली इट इज A1 A2 इज इक्वल टू कितना, B1 B2, इससे भी वही आंसर आया और उससे भी वही आंसर आया, इसका मतलब जो मैं बता रहा था वो सही था, वो वाला मेथड सही था, कहानी पकड़ में आ रही है आपको, इसका मतलब वो मेथड सही था, नहीं आया, अच्छा अब ये तो हुआ, एक मिनट क्रैक सौरव सिस्टम खत्म कर दो और आगे चलते हैं, बहुत आगे की आवाज लगा रहा हूं, हालांकि दिन बहुत गलत है, आप में से अभी आधे से अधिक लोग हाफ माइंडेड है, आधे दिल से बैठे हुए हैं यहां पे, लेकिन जो बैठे हैं उनके लिए काम की बात, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने अभी यहां पे कितनी लाइनों को लेके गेम किया, चार लाइनों को लेके गेम करना सिखा दिया मैंने, सिखाया, अच्छा अब इन चार लाइनों को लेकर के भी और करेक्ट हो, और करेक्ट, कितने लोगों को ये वाली फोटो याद रह जाएगी, रह गई, सही है, ये चार लाइनें मिलकर क्या बना रही है आपको, आपको क्या दे रही है, यू मत सोचना क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सोचना मेरे दिमाग में क्या रिजर्व रहना चाहिए लास्ट में, एट द एंड ऑफ द डे मेरे दिमाग में क्या प्रिजर्व रहना चाहिए, ये चार लाइनें आपको क्या दे रही है, चार पॉइंट दे रही है, दिख रहा है आपको, ये चार पॉइंट दे रही है, जिनका नाम क्या होता है, कॉन्साइक्लिक पॉइंट, तब आपको ये यूज करना है, तब आपको ये यूज करना है, अब मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, बड़ी बड़ी बातें, हालांकि हम यूज नहीं करेंगे, मान लो ये क्वेश्चन आ गया ना अगर दोबारा से, तो मैं मरे भी ये वाला तरीका नहीं यूज करूंगा, मैं तो ये तरीका यूज करके भाग जाऊंगा, ये मैथमेटिकल मेथड है, वो जबरदस्ती का मेथड है, वो मेरे को प्रूव करना पड़ा है, लेकिन फिर भी बताना पड़ता है, क्यों, क्योंकि आपकी शीटों में ऐसी चीजें भरी हुई हैं, एक बात खत्म, अब बात नंबर 2 सुनना, एक लाइन L1, एक लाइन L2, एक लाइन L3, और तीनों लाइनों से बना कौन, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल से कौन गुजर गया, सर्कल गुजर गया, और किसी ने पूछा सर्कल की इक्वेशन बताओ तो क्या होगी, तो मैं क्या करूंगा, सुना, ये दोनों लाइनें कटी, कटते ही L1 L2, कटते क्या हुआ, L1 L2, ये दोनों लाइनें कटी, कटते ही L2 L3, ये दोनों लाइनें कटी, तो L3 L1, कितनी जगह मल्टीप्लाई हुई, 3 जगह, तो मैं आपकी बार क्या बोलूंगा, आपकी बार मैं बोलूंगा L1 L2 प्लस लेमडा L2 L3 प्लस म्यू L1 L3 = 0, और पूरी इक्वेशन बनाने के बाद में जो भी मल्टीप्लाई 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 करने के बाद में है ना, कितने लोगों को पता चल रहा है, कहानी में डिग्री कितनी होगी एक्स की, ना 2,
दो दो की मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्लस दो दो की मल्टीप्लाई, प्लस दो दो की मल्टीप्लाई, कितनी डिग्री होगी एक्स की? दो। कैसे 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 कैसे? अरे कैसे? अरे ऐसे। कितनी डिग्री है? दो। मैक्सिमम डिग्री टू है, हाँ या ना? तो जैसे ही अपने पास तीन केस बने ना, L1 L3 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस लैम्डा प्लस म्यू L1 L3 इक्वल टू जीरो होते ही फिर मैं वापस सिक्का दूंगा। पहला पत्ता कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर, दूसरा पत्ता कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, बस कहानी वापस मेरे घर में आ गई। ये कौन सी बात? ये वो बात जो दुनिया को झांकी दिखाने के काम आती है, और इंसानों के तरीके से करना हो तो मैं मरे इस रास्ते से नहीं जाने वाला। क्यों नहीं जाने वाले सर? अरे यार क्या पागल समझा गया? इस रास्ते जाकर के इतना मल्टीप्लाई कौन करेगा? इससे बढ़िया क्या करूंगा? ये पॉइंट निकाल लूंगा, ये पॉइंट निकाल लूंगा, ये पॉइंट निकाल लूंगा। कैसे निकालते हैं ये पॉइंट? इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या मैं लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना जानता हूं? आप भी जानते हो, हाँ या ना? इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो? कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे? तीन। किसी भी सर्कल की इक्वेशन बोलो, नॉर्मली अचानक से दिमाग में आने वाली कोई इक्वेशन बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये तीन पॉइंट मेरे को तीन एक्स वाई दे रहे हैं। ये तीन पॉइंट मेरे को क्या दे रहे हैं? तीन एक्स वाई दे रहे हैं। मैं उठा करके तीनों एक्स वाई एक्स और वाई की जगह डालूंगा, मेरे पास जी एफ और सी में तीन इक्वेशन आएंगी, हाँ या ना? उन तीन इक्वेशनों को सॉल्व करूंगा, तीन इक्वेशन तीन अननोन। आप मिस हो गए, गांव चले गए। एक सेकंड एक सेकंड, वापिस आओ वापिस आओ। क्या 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 बोला, क्या बोला मैं? ये एक सेकंड, तीन इक्वेशन तो लास्ट वर्ड है। कितने लोगों को समझ में आया ये क्या चीज है? कैसे निकाला? दोनों लाइनों को सॉल्व करके। उसका क्या किया? अरे इक्वेशन में डाल दिया। किसकी इक्वेशन में? उससे क्या मिला? जी एफ और सी में एक इक्वेशन मिली। इस पॉइंट को डाला, जी एफ और सी में दो इक्वेशन मिली। इस पॉइंट को डाला, इक्वेशन में तीसरी इक्वेशन मिली। तीन अननोन, तीन लाइनें, हाँ या ना? जीएफसी आ जाएगा, जीएफसी आ जाएगा, आते ही वापस सर्कल को पिला देंगे, सर्कल आ जाएगा, राइट है? यही सही तरीका है और यही यूज करेंगे हम लोग, ठीक है? हाँ हाँ, वो आगे की 12th की स्टोरी है, थोड़ा और आगे जा करके ना, मैंने जानबूझ के रोक किया। मैं तभी तो बार बार पूछ रहा था आप मेरे